कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में हसदेव के पास 28 दिसंबर कोरबा निवासी इमरान खान के ट्रक चालक से बेल्ट और अन्य चीजों से मारपीट करने के बाद 6,000 रुपए नकदी की लूटपाट और मारपीट करने की घटना के मामले में कोतवाली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों का जुलूस शहर में निकाला और लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि अपराधियों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। दिसंबर 28 तारीख को इमरान खान पिता सफर अली इन्होंने आके थाने में शिकायत की थी कि इनके ड्राइवर के साथ कुछ लोगों ने सरमंगला पुल के नीचे मारपीट की है और लूटपाट की है। 6,000 रुपये लूटे हैं और काफ़ी बेरहमी से मारपीट की और पर्स वर्स भी लूट लिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में विवेचना अधिकारी अश्वनी वर्मा जी ने अपनी टीम के साथ इसमें पतासाजी शुरू की और प्रकरण में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और लूट की रकम बरामद हुई है, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग हैं और 4 ऐसे आरोपी। पकड़े गए आरोपियों के नाम लकी दास महंत, फुकटपारा निवासी शैलेश यादव, मोती सागर निवासी विकास यादव, तुलसी नगर निवासी और राहुल यादव राताकार निवासी। इसके अलावा 2 नाबालिग लड़के हैं। इनके पास से वर्तमान में 2,500 रुपये बरामद हुए हैं और बाकी रकम इन लोगों ने खर्चा कर ली। इन लोगों के द्वारा बेल्ट, लाठी डंडा, रॉड, इससे मारपीट की गई, जो प्रकरण में जब्त किया गया।